अपने देश की बात ही निराली है। आइए अब उस प्रदेश चलते हैं जहां बहुत हरियाली है, छत्तीसगढ़, जो मशहूर है अपनी प्राकृतिक सुंदरता और साथ ही आदिवासी परंपरा के लिए। कहते हैं जंगल की वनस्पतियों में कई सारी बीमारियों के इलाज है, जिससे दवाइयां तो बनती ही है, लेकिन क्या आपको पता है यहाँ पर चींटी से चटनी भी बनती है और वो भी एक बड़ी औषधि है। मैं मेरी बुआ के यहाँ बस्तर में आई हूँ, जगदलपुर, और यहाँ पर ये जो चींटियाँ हैं, जिसे चीटा कह लो, लाल चीटे, मकोड़े कह लो, चापड़ा कहते हैं यहाँ की भाषा में, और ये मिट्टी में घर नहीं बनाती, ये पत्तों में घोंसले बनाती हैं। ये क्या तोड़ रहे हैं? क्या करेंगे, कितनों को मिलेगा फिर? अरे ये क्या तोड़ के लाए फिर? अभी निकलेगा उसमें से? काट भी लिया? काट रहा है। खाते रहूंगा, मेरे को वीडियो बना दो। इतना शौक हो रहा है, बाप रे, इतना टेस्टी रहता है क्या? है उसको ना उबाल के थोड़ा सा नमक डाल के सबर पीना बिना बरस का। और क्या क्या होता? क्या बनवा रही? चटनी बनवा रही? मैं नहीं खा रही, वो खुद ही बना रहे। कल बताया नमक डाला, क्या क्या डाला इसमें? धनिया, ये इसमें धनिया, अदरक है, लहसुन है, मिर्ची है, मैं जगदलपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ के बस्तर में, और सुनीता जी ने फाइनली ये चटनी बना ली है। अब ये एक्सप्लेन भी करेंगी कि इससे क्या क्या होता है। हम खाते हैं, बहुत जड़ी बूटी है ये। हाँ, चाटी। चाटी क्या बोलते हैं इसको? चोपड़ा बोलते हैं। चोपड़ा। हाँ, तो हम लोग ना जब बीमारी होता है तो इसको खाते हैं। इसमें क्या क्या डाला है? अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी हल्दी है, सब मिला के इसको हम लोग चटनी बनाते हैं।